दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप कोई भी इमेज को PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने मोबाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने एक प्ले स्टोर, आपको प्ले स्टोर पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है एडोब स्कैन। ये देखिए, एडोब स्कैन PDF स्कैनर विथ OCR PDF क्रिएटर। ये ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ से आप फ़ोटो खींच सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए, यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपने खींच लिया है तो उसके बाद ये इमेज पे क्लिक कर दीजिए। इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे मैं आपको फर्स्ट पेज पे ये रखना है डॉक्यूमेंट्स में तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, सेकंड में ये रखना है, थर्ड पे ये रखना है। सीरियल वाइज रखिएगा, जो भी आपको फर्स्ट में रखना है वो फर्स्ट क्लिक कीजिएगा। जैसे मुझे ये फर्स्ट पे रखना है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, फिर सेकंड पे ये रखना है तो ये इस पर क्लिक कर देता हूँ, थर्ड पे ये रखना है तो इस पर क्लिक कर देता हूँ, फोर्थ में ये रखना है तो ये इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे आपको रखना है वो आप रख लीजिएगा, उसके बाद आप टिक पे क्लिक कर दीजिए। टिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डॉक्यूमेंट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं चेंज कर देता हूँ अनुज, उसके बाद रीनेम कर दीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स का नाम चेंज हो गया। यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, ये इसमें देखिए देखिए बड़ा छोटा, इसमें अपने हिसाब से कर दीजिए, इसमें पूरा है, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसका ओरिजिनल साइज ले सकते हैं, चाहे ये देखिए मैं ओरिजिनल साइज कर लेता हूँ, अप्लाई टू ऑल पेज कर दीजिएगा तो सारे पे अप्लाई हो जाएगा एक ही बार में। उसके बाद अगर आपको चेंज करना है वाइट बोर्ड में, यहाँ से ग्रे स्केल कर सकते हैं, ऑटो कलर कर सकते हैं, यहाँ से देखें ये वाइट बोर्ड में चेंज हो गया, ये देखिए। ओरिजिनल करना है तो इसी पे जाइए, यहाँ पे आप ओरिजिनल कर दीजिए, जैसे भी रखना है आपको रख कर यहाँ से आप सेव PDF पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए सेव हो गया PDF, यहाँ से आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर का बटन है, यहाँ से शेयर कॉपी शेयर करके आप WhatsApp पे किस जहाँ भी आपको सेंड करना है वो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।